हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज ये मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि पानी में इसको डिप करें तो एक दफ़ा फिर से हमें दिखाएं। तो मैं ये चूँकि मेरे पास स्टॉक में नया लेके आई हुई हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलें आपको एक वीडियो इस पे डाल देती हूँ। तो ये हम पानी में डालते हैं। ये तो थोड़ा सा बड़ा है इसका साइज़, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन चलें हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट। जी ये देखें, ये पूरा नहीं आ रहा था ना, तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा इसके किनारों को छुरी से छील दिया है। मेरी पतीली थोड़ी छोटी थी और पीस थोड़ा बड़ा था। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, खुशबू कितनी ज़बरदस्त आ रही है इसकी। वाह, इस खुशबू से मेरी ज़्यादा अटैचमेंट है बचपन की भी, और वैसे भी गाची के साथ जो अटैचमेंट है वो इसकी खुशबू से ही स्टार्ट हुई थी मेरी, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है गीली की। आपको भी बहुत अच्छी लगती होगी, जैसे गीली मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, दिल करता है कि खा ही जाए, लेकिन वो खा तो नहीं हम सकते। जब बारिश स्टार्ट होती है कितनी प्यारी, कितनी मज़े की भीनी भीनी सी खुशबू आती है, बिल्कुल उसी तरह। वैसी तो नहीं है लेकिन इसकी खुशबू, आप यकीन करें इस वक्त मेरा दिल कर रहा है इसको खा जाऊं, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आपको पता है खुशबुओं का भी यादों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। जब हम किसी खुशबू के साथ हमारी कोई याद बनी होती है, हम जब भी कभी उस खुशबू को सूंघेंगे हमें हमारा वो लम्हा याद आएगा। इसी तरह ये बचपन की याद दिलाती है, वो बचपन का ज़माना याद आ जाता है। और आजकल तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि मिट्टी से प्यार, उससे मोहब्बत, उसकी खुशबू से जो लगाव, ये सभी को नहीं होता, लेकिन जिनमें होते हैं ये उनकी फितरत में चीज़ होती है, उनके अंदर इंसानियत से मोहब्बत और उस एक खलूस जो अल्लाह ताला ने ही डाला होता है, होता तो सभी में ही है, लेकिन ये जो है ना चीज़, ये किसी किसी में होती है। जैसे कि हम सब इस टाइम एक फैमिली ग्रुप एक बना हुआ है जो कि क्ले को पसंद करता है, हम लोगों की देखा जाए तो सेम नेचर, सेम इस वक्त फीलिंग्स हैं खुशबू की, क्ले को क्रंच करने की। कुछ लोग खा ही जाते हैं, अभी खाया नहीं करें, लेकिन यह है कि ये बहुत मज़े की एक चीज़ है। देखें कैसे पानी सोक कर रही है इसने ना, अब भी अपनी लेयर्स खोलनी है, ऑटोमेटिकली खुद ही खोलेगी। कभी जब आप भी लेके आए कोई बड़ा ब्लॉक तो आप भी इसको पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, कुछ भी नहीं होता, ये पिघलती नहीं है जल्दी कहीं। सॉलिड पीस हो तो वो कभी नहीं पिघलेगा, वो मेल्ट नहीं मतलब होगा, वो थोड़ा टाइम लेगा। थोड़ी थोड़ी सी ये यूं मतलब जैसे इसका क्रम हल्के हल्के से नज़र आ रहे हैं ना मेल्ट होती हुई, लेकिन इससे कुछ इसको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोई मतलब कुछ लोग समझते हो शायद ये पानी में रख के तो बिल्कुल पिघल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, वो देखिए वहाँ से पानी सोख कर रही है ना कितनी तेज़ी से।
मैं इसलिए खामोश हूँ कि इसकी आवाज़ सुने जरा कैसे पानी अपने अंदर जज़्ब कर रही है। क्योंकि ये लेयर्स खुलने के लिए पानी अंदर लेके जा रही है, इसके बाद इसने खुल जाना है। जी तो फ्रेंड्स ये देखें, इसकी लेयर्स खुलना शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये बिल्कुल नेचुरल है, लेयर्स देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है। इसको हम निकाल देते हैं, लेयर्स देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कलर्स आए हैं, ऐसे जैसे ग्रे के सभी शेड आ गए हैं। मैंने ना ये जो आज की वीडियो है अपनी एक फ्रेंड के कहने पे बस बनाई है। उसकी रिक्वेस्ट थी कि आप ना, वो जब भी मेरे घर आती है ना, उसकी दो बेटियां हैं, वो जब भी मेरे घर आती है ना तो उसकी बेटियाँ बहुत खुश होती हैं मेरे पास आके ना, कि आप खाला आप बातें बहुत अच्छी करती हैं, बातें बहुत अच्छी। मैंने कहा चलो इनकी अगर बातों बातों से कुछ होती है, इनको इनको अच्छा लगता है तो चलो इनको कुछ बताते हैं। तो वो इनकी उस उनकी मम्मा ने ना मुझे अक्सर कहना कि ये झगड़ती है, इतना झगड़ती, इतना जब तुम्हारे घर से होकर जाती है तो ना ये बिल्कुल ठीक रहती हैं, काफ़ी काफ़ी दिन ठीक रहती हैं, और हम तेरा मतलब चैनल भी देखते हैं बड़े मज़े से, हम ये मेरी बेटियाँ भी देखती हैं, तो तुम चैनल में ही कोई इनको ऐसी बात बता दो, बता इनको क्या मतलब कोई ऐसी बात किया करोगे, ये वीडियो भी देखें और इन्जॉय भी करो, इनको समझ भी आए। मतलब मैंने भी मैंने सोचा कि एक्चुअली होता पता क्या है, वो जब आपस में उनके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है ना तो वो आपस में झगड़ पड़ती हैं, हालांकि सगी बहनें हैं लेकिन वो झगड़ पड़ती हैं। तो मैं करती क्या हूँ, सिर्फ उनके अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती हूँ। आपको पता है इंसान के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, या तो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, और नेगेटिविटी के जो बद असरात होते हैं वो सबसे पहले इंसान के उसके अपने मतलब जिस्म पे भी असर करते हैं, उसको बीमार करते हैं, उसको परेशान करते हैं और उसके हालात को भी ख़राब कर देते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो कामयाब होते हैं, कभी आप नोटिस करना, क्योंकि पॉजिटिव लोग जो होते हैं ना वो तो सेहतमंद होते हैं, ये सबसे पहली बात, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिविटी के कोई बद असरात नहीं होते, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इसलिए आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और सेहतमंद रहें, क्योंकि सेहतमंद ज़िंदगी पॉजिटिव सोच से ही होती है। जब एक इंसान पॉजिटिव सोचेगा तो उसके हालात भी वैसे ही होंगे, चाहे वो कितनी ही मुश्किलात में क्यों ना गिरा हो, अगर पॉजिटिव उसकी थिंकिंग होगी, उसकी जो स्पिरिचुअल है वो उतनी ही पावरफुल होगी, उसकी रूह जो है वो उतनी ही पावरफुल होगी। तजर्बा करके देखिएगा आप, पॉजिटिविटी इंसान के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। इसलिए ये जो नेगेटिविटी होती है ना, इससे हमारे खुद के आसाब ही कमज़ोर हो जाते हैं, हम खुद ही बीमार भी हो जाते हैं, मायूसी का शिकार भी हो जाते हैं और बहुत सारी नाकामियाँ भी हमें घेर लेती हैं। इसलिए आप लोग ना क्ले का तो बहाना ही है, चलें अल्लाह की तरफ से ये एक बात करने का हमें मौका मिला है, हम ग्रुप एक ग्रुप हैं, एक फैमिली की तरह हैं। मैं आप सबको इतना ही अज़ीज़ समझती हूँ जितना कि मैं अपने बच्चों को अज़ीज़ समझती हूँ, अपने बहन भाइयों को, क्योंकि एक्चुअली बात यही होती है, इंसानियत यही है कि एक दूसरे के साथ खलूस के साथ रहो। इखलाक सबसे बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको अगर किसी के साथ कोई एतराज़ भी है ना तो भी उसको आप शो ही ना करो,
आप उसी एतराज़ को किसी अच्छी बात की तरह, मतलब जैसे कुछ लोग कमेंट्स भी ऐसे करते हैं कि जिनमें नेगेटिविटी वाज़े होती है, अगर वो अपने कमेंट्स में उस नेगेटिविटी को किसी पॉजिटिव वे में भी बयान कर देंगे तो उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए काफ़ी सारी लेयर्स, मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा है इसका, तो देखिए फिर जाके कहीं ये लेयर्स खुली हैं, देख सकते हैं आप, ये देखें कैसे इसकी लेयर्स खुली हैं। ये देखें, इतनी साफ हो गई है, अभी इसके अंदर भी पड़े हुए हैं कुछ। कुछ ना, वो टूट भी जाती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं टूटती। ये देखें, ये लास्ट पीस रह गया था गोल सा। जी तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी नेगेटिव रवैयों की। आप कोशिश करके अपनी सेल्फ कंट्रोल के साथ अपने नेगेटिव रवैये को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना सेहतमंद रहेंगे, और सेहतमंद रहने से ज़िंदगी आसान होती है। बस ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव लोग जो होते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं, उससे किसी का कुछ नहीं जाता। जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स नेगेटिव आते हैं, उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि कमेंट्स से मुझे याद आया मेरी बहुत प्यारी प्यारी फ्रेंड्स, बहुत प्यारी प्यारी सिस्टर्स बहनें हैं, जिनमें ज़ारा है एक, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, सभी बहुत अच्छी हैं, सभी बहुत प्यार करती हैं मुझसे। ज़ारा हैं, एक साइमा हैं, इन सब ने मुझे बहुत ही प्यार मोहब्बत से मिस भी किया और मुझे कमेंट्स में बोला भी कि भी हमारा भी आप जिक्र किया करें। और मैं सबका जिक्र करती हूँ, मैं किसी को भी भूलती नहीं हूँ, सब मुझे याद रहते हैं, सब बहुत अच्छी हैं। जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, जितनी भी मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी बहन भाई हैं सब, तो मुझे सभी याद रहते हैं। और ये मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है, ये देख सकते हैं आप कितनी सारी। तो अब आप लोगों ने ये मेरी आज की एक अच्छी बात याद रखनी है, कोशिश करनी है पॉजिटिव रहें, नेगेटिव से दूर रहें, ताकि आप लोग सेहतमंद रहें, ठीक है। और ये देखें, मैंने आपके लिए ये बहुत वेट करना पड़ा, मुझे बहुत वेट करना पड़ा, वीडियो पॉज करने के बाद ही इसके लेयर्स खुली हैं, तो लेकिन ये कि मैंने आपको दिखानी थी वो मैंने दिखा दी हैं, इसलिए अब आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और खुश रहा करें, खुशियाँ बांटें, ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा आसान करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।